गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड में अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हेल्पफुल चाइल्ड, मतलब एक बच्चा है जो सबकी सहायता के लिए रेडी तैयार रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ तक आपका हो चुका था ये स्पॉट तक। मैं चलो थोड़ा सा आपको स्टोरी बता देती हूँ। उसमें क्या स्टोरी थी कि एक लड़का अर्पित और एक आशमी नाम के दो अच्छे फ्रेंड थे, और वो क्या थे, एक सेम ही स्कूल में पढ़ते थे। और वो जो अर्पित था और आशमी था वो बहुत ही अच्छे स्विमर भी थे। तो एक दिन वो क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं और वहां पर उन्होंने देखा कि एक बच्चा नदी में डूब गया है। ठीक है, चलिए अब उससे आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। शी वॉज लुकिंग हेल्पलेस एज नो वन वॉज कमिंग फॉरवर्ड फॉर हर हेल्प। जो औरतें थी, आपको पहले फिगर में भी पता होगा, जो औरतें थी जो नदी के किनारे पर क्या कर रही थी, कपड़े ये धो रही थी, और एक बच्चा नहा रहा था। तो वो क्या, वो डूबने वाला था वहां पर। तो उसने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है, तो उसकी माँ भागी भी आई और उसने देखा कि मेरा बच्चा डूब रहा है। तो वो अपने को चिल्ला रही थी कि मेरे बच्चे को बचाओ। शी वॉज लुकिंग हेल्पलेस, जब उसने देखा कि उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो उसको कैसा महसूस हुआ कि मेरी कोई सहायता के लिए नहीं आ रहा और मैं उसकी सहायता भी नहीं कर सकती हूँ। नो वन वॉज कमिंग फॉरवर्ड फॉर हर हेल्प, और कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता के लिए उसके पास नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक अर्पित हियर्ड हर क्राइसिस, अर्पित ने उसकी रोने को सुना। When he saw the body boy drowning in the pond, drowning means होता है डूबना। कि अर्पित जैसे उसकी रोने को सुना, when he saw the boy drowning in the pond, उसने देखा कि बच्चा जो है तालाब में डूब रहा है। He jumped into the pond at once, वो तुरंत ही कहाँ कूद गया, पोंड में, तालाब में कूद गया। He reached the boy and picked up the boy, वे लड़के तक पहुंचा और उसको बाहर ले आया। Then he brought the boy back to the bank. Bank माने होता है किनारा, bank माने किनारा, नदी का किनारा है, तालाब का किनारा। तो तब वह उसको, लड़के को कहां पर लिया, तालाब के किनारे पर ले आया। All the people were surprised to see the scene. Scene माने होता है दृश्य, surprise मतलब आश्चर्यचकित होकर देखना। All the people were surprised to see the scene. जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो सीन को देखो, उस दृश्य को देखकर बहुत ही आश्चर्य में हो गए थे। They praised Arpit for the good deed. Deed माने होता है कार्य। वे जो थे उसकी प्रशंसा, praised माने प्रशंसा कर रहे थे अर्पित की उसके अच्छे कार्य के लिए। The boy's mother blessed and thanked Arpit for the help. जो उस लड़की की माँ थी वो उसको आशीर्वाद दे रही थी, blessed माने होता है आशीर्वाद देना, और उसको धन्यवाद दे रही थी अर्पित को उसकी सहायता के लिए। अर्पित ने जो सहायता की थी ना, उस बच्चे को डूबने से बचाया था, तो जो उस लड़की की मदर थी वो उनको बहुत ज्यादा क्या दे रही थी, आशीर्वाद, और उसको धन्यवाद दे रही थी कि आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। हर हस्बैंड वॉज एट होम, और उस औरत, उस महिला का जो हस्बैंड था वो कहां पर था, घर पर था। She took him to her home. वह उस बच्चे को कहां लेकर गई, घर पर लेकर गई। When her husband listened the whole incident, incident माने जो घटना घटी थी, तो जब उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने सारी घटना को सुना, he felt very happy and thanked Arpit for his kind deed. तो वो क्या हुआ, उसको कैसा महसूस हुआ, बहुत खुश हुआ, और अर्पित को उसने बहुत ही ज्यादा उसके अच्छे कार्य के लिए क्या बोला, थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला। ही ऑल्सो रिवार्डेड द बॉय एंड गेव हिम अ टॉय एट प्रेजेंट। अब उसके पास तो उसको पता नहीं था सारी घटना क्या हुई, तो उसके पास कोई ऐसा सामान भी नहीं था कि वो किसको, अर्पित को दे सके। तो उसने क्या करा, एक छोटा सा टॉय उसको दिया, रिवार्ड के लिए पुरस्कृत किया, उसको पुरस्कार दिया, और बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। When Arpit's father heard about the event, और जैसे ही अर्पित के फादर ने इस इवेंट के, इस घटना के बारे में सुना, he felt very proud of his son. तो क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा गर्व हुआ अपने बेटे पर कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा कार्य किया है। From that day, Arpit was respected more by the people of his village. तो उस दिन से जो अर्पित के गांव वाले थे वो क्या थे, उसको बहुत ज्यादा सम्मान देने लगे थे, और बहुत ही ज्यादा उसको थैंकफुल थे कि उसने गांव के एक बच्चे को बचा लिया। तो बेटा ऐसे ही हम सबको भी होना चाहिए, हम सबको
सहायता के लिए हमेशा आगे होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। देखिए, हम ज्यादा बड़ी सहायता नहीं कर सकते हैं, तो छोटी मोटी जो हमसे बन पड़ती है हमें सबके लिए सहायता करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए कुछ करें। बेटा, ये जीवन है तो हमें दूसरों के लिए भी थोड़ा सा कार्य करना चाहिए जो उससे उसके जीवन में कुछ खुशियां ला सके और कुछ उसके दुखों को थोड़ा कम कर सके। तो आई होप सो कि यू विल डू वेरी बेटर इन योर फ्यूचर, इन योर लाइफ, एंड आप भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जैसे ये स्टोरी आपको मैंने पढ़ाई है, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। आप भी अपने लेवल पर हर बच्चे की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।